O-O bond length in H2O2 is x, then the x, then the O-O bond length in F2O2. Basically, ये क्या बोला है कि longer या shorter बताना आपको. And the OH bond length in H2O2 is y, then that of O-O bond length F2. Now इसमें simple guys क्या है? पहले तो इनका आप structure बना लो. H2O2 का ये structure हो गया. And similarly जो F2O2 है, उसका ये structure हो गया. ठीक है अब इन्होंने बेसिकली कंपेयर करना को कहा कि इस बोन्ड को इससे और इस बोंड को इससे देखिए सिंपल गाइज ओ ओ बोंड को आप देखिए पहले इसका एक स्ट्रेट एक्सप्लेनेशन ये होता है कि अगर आप ओ ओ लेंथ की बात करते हो तो जो एच टू ओ टू केस में ज्यादा होती है ओ ओ लेंथ देन एफ टू ओ टू और जब ओ एच का देखते हो तो एच टू ओ टू की जो बोंड लेंथ है वो इसमें ओ एच के केस में वो कम होती है देन समझ अब ये क्यों होता है पहला इसका ऑप्शन देखिए देखिए जो फ्लोरीन है वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है ठीक है अब ये क्या होता है इसके ऊपर लोन पेयर्स होते हैं वीनो दिस सिमिलरली यहां भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर लोन पेयर्स होते हैं ठीक है ना बिकॉज फ्लोरिन इज वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो बहुत स्ट्रॉन्गली इस इलेक्ट्रॉन को पुल करता है और क्या होता है ये जो लोन पेयर भी हैं और वो भी इनका जो आ, इस ऑक्सीजन के ऊपर भी जो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको अपनी तरफ पुल करना शुरू कर देता है स्ट्रोंगली सिमिलरली इधर भी इसकी वजह से क्या होता है कि जो इस ओ ओ के बीच में जो रिपल्शन होता है ड्यू टू दिस लोन पेयर वो डिक्रीज हो जाता है लेकिन इसके केस में एच है तो कोई ज्यादा कुछ इलेक्ट्रॉन पुल नहीं हो रहा है इनफैक्ट ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके केस में क्या हो जाता है जो इनके बीच में रिपल्शन होता है वो ज्यादा होता है और इस वजह से जो इनकी तो जब बढ़ जाती है और इसकी शॉर्ट रह जाती है तो ओ ओ बॉन्ड लेंथ इन केस ऑफ एस टू ओ टू ज्यादा होती है इन केस ऑफ एफ टू ओ टू ठीक है सेवन माया ओ एच के केस में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये आंसर है कि बिकॉज जो हाइड्रोजन है एटम इज स्मॉल वेन इट वी कंपेर टू एफ टू ओ टू ठीक है अब क्योंकि एटोमिक साइज स्मॉल है दैट इज वाई जो ओ एच है बॉन्ड इज लेसर आपको समझ में आएगा केस में इलेक्ट्रॉन डिपल्शन बिकॉज उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस केस में इनका एटोमिक साइज इज बींग टेकन इन टू अकाउंट राइट तो आई होप समझ में आएगा तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर फोर इज योर करेक्ट आंसर